घोसी विधानसभा के उपचुनाव में अब दो पार्टी के नेता मैदान में कूद चुके हैं, यानी कि दो पूर्व विधायक अब घोसी के जंग में कूद चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना उपचुनाव बना दिया है, तो वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान भी ताल ठोक रहे हैं। आज जिले में दारा सिंह चौहान की एंट्री भी हो गई है और दारा सिंह चौहान ने आते ही बोल दिया है कि मेरी घर वापसी है और मैं यहाँ पर मोदी जी को जिताने आया हूँ। यानी कि दारा सिंह चौहान का बयान आया है कि वह भाजपा की केंद्र में सरकार बनाने के लिए आए हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ने जिले में आए हैं। दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच में अब चुनावी जंग शुरू हो गई है। तीसरे बसपा के उम्मीदवार की तलाश जारी है, कौन आता है। सपा से सुधाकर सिंह आ गए, बीजेपी से दारा सिंह चौहान, क्या माहौल लग रहा है घोसी का? देखिए, जनता से जो वादा किए थे दारा सिंह चौहान विधायक बनने के लिए, उन वादों पर खरा न उतरे और किस लालच में वो समाजवादी पार्टी को और घोसी की जनता को धोखा दे करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये वही जानते हैं। और चुनावी मैदान में हैं तो कहीं ना कहीं घोसी की जनता के साथ जो वादा करके और नाइंसाफी का काम उन्होंने किया है, इसका पूरा पूरा सबक दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता समझाएगी और बताएगी। तो क्या लग रहा है, घोसी की जनता अब कमल के पक्ष में जाएगी या साइकिल के लिए? कमल के पक्ष में कैसे जाएगी, अभी तो जो वादा किए थे वो समाजवादी पार्टी के सिमुल पर जब चुनाव लड़े थे और जो वादा किए थे, उन वादों का अभी कखन नहीं चालू हुआ। और बताओ, 7-8 महीने या एक साल के अंदर ही अंदर वो घोसी की जनता के साथ जो धोखा देकर के विश्वासघात देने का काम किए हैं, क्या जनता भूल जाएगी? अब देखिए, जनता याद रखती है कि क्या करते हैं वहाँ पर। कुछ घोसी में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना दिया, भाजपा से दारा सिंह चौहान भी आ गए, दो पूर्व विधायक के बीच में जंग होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि अब क्या उपचुनाव का मामला है, सरकार बनाने बिगाड़ने का तो है नहीं। ऐसे में अगर कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान को देखेगा, किसी भी पार्टी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है भाजपा का ही कार्यकर्ता, उसे पता है कि सरकार तो बने बिगड़ेगी है नहीं इस सीट के हारने से। अगर उसे लगेगा कि मेरे स्वाभिमान का मामला है, पक्ष में दे दिया तो जीतेंगे, विपक्ष में दे दिया तो हार जाएंगे, कुछ इसी तरह अन्य पार्टियों में। लेकिन सबसे बड़ा मसला ही होगा कि बसपा किसे प्रत्याशी बनाती है। अगर बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो घोसी विधानसभा में सबसे अधिक मुसलमान है, निश्चित रूप से उसका लाभ सुधाकर सिंह को प्राप्त होगा। इस पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है 1 लाख से अधिक वोटर है, वो फैसला तय करेगा, सबकी नज़रें टिकी है। तो फिलहाल जो अभी क्या लग रहा है कि वोटों का एक जगह केंद्रीकरण होगा या बंटवारा होगा? मुसलमान और यादव का तो केंद्रीकरण ही होगा। रह गई बात जो अनुसूचित मतदाता बेस माने जाते हैं बसपा के, उसमें मुझे लगता है कि 60% से अधिक भाजपा पाएगी जी, बाकी सपा की तरफ जाएंगे, दो दलों का ही मतदान होगा। आप पिछली बार भी उपचुनाव हुआ था, आप लोगों को अनुभव रहा, उपचुनाव में लड़ाई कितनी मजबूत हुई थी दोनों पार्टियों? अब सुधाकर सिंह को सिंबल नहीं प्राप्त हुआ था कुछ तकनीकी कारणों से, उसके बावजूद महज 1700 वोटों से चुनाव हारना उनकी मतलब क्षेत्र में मजबूत पकड़ को बताती है। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ प्रभावित करेंगे ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि यह उनके लिए उपचुनाव है, वह उनका उपचुनाव है, इसलिए कि घोसी में वह जितनी मदद कर पाएंगे भाजपा की, उसी आधार पर वह लोकसभा में अपनी दावेदारी करेंगे। अगर वह राजभरों को भाजपा के पक्ष में एकजुट नहीं कर पाएंगे तो कैसे कहेंगे कि मैं राजभरों का नेता हूं, मुझे वोट दीजिए। इसलिए राजभर की जो संख्या है उसके लिए ओम प्रकाश लड़ेंगे, दारा दौड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर दारा। लेकिन मतलब क्या लग रहा है कि नेताओं का शक्ति प्रदर्शन ये है लोकसभा के वास्ते? हाँ, लोकसभा के वास्ते यह सेमीफाइनल है और खासकर ओम प्रकाश राजभर की, मैं सही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अगर इसमें राजभरों को भाजपा के पक्ष में नहीं ला पाए तो कैसे बताएंगे। हाँ, बाकी दलों के जो राजभर नेता हैं इस जनपद में, उनकी भी परीक्षा है कि क्या राजभरों के नेता ओम प्रकाश ही रहेंगे या वह कुछ कर पाते हैं। अगर भाजपा जीतती है, ओम प्रकाश राजभरों का मत प्राप्त होता है, तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश बड़ा नेता, फिर से मोहर लग जाएगी, लोकसभा में दावेदारी पक्की हो जाएगी। दारा चौहान और ओम प्रकाश दोनों मजबूत हो जाएंगे, दोनों मजबूत हो जाएंगे, निश्चित रूप से मजबूत। ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन दारा सिंह चौहान जब आए हैं जिले में, उनका बयान आया है, बयान में वो ये नहीं कह रहे कि मुझे चुनाव जीतना है, वो कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए मैं आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि
वो पारापारी वाली हिसाब किताब है, उसके आगे की लाइन नहीं कहूँगा। ओम प्रकाश इनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, ओम प्रकाश के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। देखिए आपको क्या लगता है कि किसके पक्ष में चुनाव मजबूत होगा? चुनाव में लड़ाई आमने सामने है दारा चौहान का और सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह के आज आने से लोकल फैक्टर मजबूत पड़ रहा है और मुसलमान भी चल रहे हैं सपा के साथ, इसलिए दावेदारी उनकी मजबूत है। तो दावेदारी मजबूत है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव बता रहे हैं लोकल बनाम बाहरी बन रहा है, ये माहौल बन रहा है या खाली बनाया जा रहा है पार्टी द्वारा? नहीं, माहौल बन रहा है, क्योंकि देखिए इस यह उपचुनाव है, उपचुनाव से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन घोसी क्षेत्र की जनता के साथ साथ जिले की भी जनता चाह रही है कि हमारा हम वोट उसे दें जो एक नेता हो, जो जिले के लिए जो है कि हर मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हो, लोकल हो, और लोकलिटी के नाते और एक नेता के नाते जो है सुधाकर सिंह के प्रति लोगों की जो है रुचि है। अगर सपा से जो है उनको टिकट मिल रहा है तो मजबूत जो है ना कि उनकी दावेदारी है, और जो है उनके तरफ जो है लोगों का झुकाव होगा, क्योंकि वो एक नेता है और नेता है, और बार बार जो है जी दारा चौहान दल बदल रहे हैं, उन्हीं के चलते जो है ना कि उपचुनाव हो रहा है, तो लोगों के अंदर कहीं से ना कहीं से इतिश है कि हम अस्थायित्व और लोकल को जो है हम वरीयता दें, और इस पर अगर अस्थायित्व और लोकल की वरीयता पे आती है तो सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी होगा। हाँ, सुधाकर सिंह पलड़ा भारी होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जो दारा सिंह चौहान हैं उनके लिए पूरा लोकसभा चुनाव के लिए ये तैयारी है बीजेपी के, तो बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे में कितना मजबूती से लड़ पाएगी सपा? देखिए सपा के लिए भी एक तरह से जो है कि जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि सपा के पूरे कार्यकर्ता तन मन धन के साथ जो है ना कि दारा सिंह चौहान को अभी जो है चुनाव में विजयी बनाए, और एक साल सवा साल के अंदर ही वो दल बदल लिए, तो यह अखिलेश यादव के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा कि उनके दल से जीतने के बावजूद भी जब उनकी सरकार नहीं बनी तो उनको छोड़ करके और पुनः जो है ना कि उनके पार्टी से इस्तीफा दे करके और विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे करके वह भाग करके भाजपा खेमे में गए हैं, तो इसलिए अखिलेश यादव भी अपनी पूरी प्रतिष्ठा के साथ जो है ना कि इस मैदान में आएंगे चुनाव मैदान में, ताकि उनका प्रत्याशी जो है विजयी हो, कि सबक सिखाए कि जो अगर हमारे सिंबल से कोई जीत रहा है और हमको बीच में धोखा दे करके भाग रहा है तो ऐसे लोगों को कि जो है जनता भी नहीं, मतलब कि सपा और भाजपा दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। हाँ, यह जो है उपचुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। तो घोसी का उपचुनाव है, अब किसके पक्ष में चुनाव जाएगा यह तो जनता तय करेगी, लेकिन घोसी में पिछले 4 साल के अंदर 3 चुनाव हो चुके विधानसभा के, 2 उपचुनाव और 1 सामान्य चुनाव। एक उपचुनाव में भाजपा जीती थी और एक जो सामान्य चुनाव में सपा के विधायक अब इस्तीफा देकर के भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखते हैं कि दारा सिंह चौहान पुनः विधायक बनते हैं या जो सपा के सुधाकर सिंह हैं वह भी पुनः विधायक बन जाते हैं। सब पे नज़रें टिकी रहेंगी, घोसी उपचुनाव के लिए जुड़े रहिए अभिषेक सिंह के साथ।